अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख जवाहर रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वीकली होरोस्कोप के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टॉरस, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो कि 17 से 23 मई तक का है। ये बहुत अहम आपके लिए इसलिए हो गया चूँकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो कि वीनस है, ये अब रेट्रोग्रेशन में चला गया। दूसरा, सन आपके असेंडेंट में मौजूद था, सन आपके खाना माल में सेकंड पार्ट में जो है वो 20 मई को चला जाएगा। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने जा रही है, आपके असेंडेंट में शर्फ़ कमर है, कमर जो है वो एग्जॉल्टेड होगा आपके असेंडेंट में 20 मई को। ये ख़ास टाइम है इज़्ज़त वक़ार के हवाले से स्पेशली, और कम्युनिकेशन के हवाले से ये बहुत अहम टाइम है। तमाम डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को तमाम को कंप्लीट देख लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता वीक में जो मैंने बड़े तसलसल के साथ आपके लिए वीडियोज़ बनाई, जिसमें शर्फ मुश्तरी की जुपिटर, सैटर्न और वीनस तीनों की रेट्रोग्रेशन थी, इसके अलावा राहु इन जेमिनी, इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके पास आ चुकी है, उसका पार्ट टू भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। चूँकि एक तवील दौरानी की तब्दीलियाँ थी, इसलिए उनको एक अलग वीडियो में आपको जो है वो बताया जा चुका हुआ है। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जोहरा, ये आपके जायचे के दूसरे मौजूद है और अब रिजत में गया है। दूसरे घर में इसकी जो रिजत है, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। एक तो ये कि आपके जो पब्लिक इमेज है उसको आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। आपको अपने जो तासुरात हैं, जो आपकी इनर वॉइस है, उसको जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मनफी सोचों से ख़ुद को दूर रखें। बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा अब मादियत पे, फिर एक पहले से भी ज़्यादा फोकस जो है वो हो जाएगा, क्योंकि पहले जो सारा सिस्टम जो है वो चल रहा था, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत अच्छी जा रही थी। मरकरी यहाँ पे आ चुका हुआ है, ये आपके लिए और भी एक बहुत बेनिफिशियल जो बात है, क्योंकि जब कोई भी सैयारा अपने घर में आता है तो उसकी मंसूबात को ये बूस्टर लगा देता है। मरकरी ने यहाँ पर आके आपको बड़ी अच्छी थाट्स दी, बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए, किस तरीके से आप काम करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। इसी तरीके से जो घरेलू ख़वातीन थीं उनके लिए ये भी एक अच्छा था कि उनकी जो माली पोजीशन थी वो एक्सपेंड हो, और उनका जो पब्लिक इमेज है, जो अपनी फैमिली के साथ जो रवैये हैं, उसमें बड़ी ही मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं इससे वाकई हुई। बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिल रहा है और अभी मिलेगा। वीनस चूँकि रेट्रोग्रेड हुआ है, सो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अब अपनी फाइनेंशियल मामलात को बड़ा ही संभाल के चलाना पड़ेगा। यानी सीधे लफ्ज़ों में आपको फजूल खर्ची से थोड़ा गुरेज करना पड़ेगा। ये रेट्रोग्रेशन जो है वो तकरीबन 25 जून तक जारी रहेगी, एक टाइम है, एक लंबा टाइम है। सो आपको बहुत एहतियात के साथ जो है वह अपने सोर्सेज को यूज़ करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इलाके हमारे शुमाली इलाका जात भी जो है वो इसी तरह के हैं कि जब वो बारिश होती है या सॉरी जब बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो उससे पहले अपने सोर्सेज को प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि हम जो है वो सर्दियों का मौसम बाहर निकले बगैर, जो मौसम साथ नहीं दे रहा होता, तो हम अपने फूड का जो है सिस्टम वो चलाते रहें। यही एग्जैक्टली आपके साथ कुदरत ने किया, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहुँचाई गई, अब आपने उनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन हैं उन्हें अपने घर को बैलेंस रखने के लिए सूझबूझ का बहुत ज़्यादा मुजाहरा करना पड़ेगा। जो मेल हज़रात, जो बिजनेसमैन हैं, जो बाकी लोग हैं, मैं आपसे कहूँगा कि अब ओरली भी किसी के साथ लेन देन का वादा करने से आप थोड़ा सा गुरेज करें तो ये बेहतर होगा, चूँकि शायद उस तरीके से आप इसको अब मैनेज ना कर पाएँ।
राहु है यहीं पे, मरकरी है, दोनों चीज़ें ये बता रही हैं कि आप अपने फाइनेंशियल मामलात को बैलेंस करने के लिए आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं, नए आइडियाज़ पे आप काम करेंगे। राहु और मरकरी ये दोनों इस तरफ आपको पुशअप करेंगे। राहु आपको यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट करेगा और आपको जो है वो ज़हनी तौर पर आमादा करेगा, कुछ अच्छे खाना, अच्छा लिबास, जदी तराश राश। लेकिन चूंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, सो हमें इसको मरकरी हमें सूझबूझ देगा कि हमें इसको कैसे लेके जो है वो चलना चाहिए। शम्स जब आपके असेंडेंट में मौजूद था, ताले में मौजूद था, तो ये आपको इसने इज़्ज़त वकार से आपको नवाजा है, आपको सूझबूझ दी है, आपके तल्लुकात को बढ़ाया। अब ये जब 20 तारीख को आपके खाने माल में चला जाएगा तो फिर ये आपको थोड़ी सी आँखों की तकलीफ जो है वो देगा और आपकी जो अपेयरेंस पब्लिक में है उसको भी बैलेंस करेगा। अब सन जब यहाँ पे आएगा तो उसके बाद वीनस भी रेट्रोग्रेड कर रहा होगा, इस हफ्ते तो ये नहीं होने लगा लेकिन अगले हफ्तों में ये आपके लिए थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि अब आप इसको किस तरीके से जो है बैलेंस कर सकेंगे। शम्स चूँकि आपके चौथे घर का भी हाकिम है, सो आपके कुछ अखराज जो हैं वो घर पे, फैमिली पे, प्रॉपर्टी पे, सवारी की तब्दीली पे, घर की तज़ीन और आयश पे, और ऐन मुमकिन है कि आप कोई इंटीरियर के मामले में जो है कुछ फैसले अहम करने चले जाएं, घर में अहम तब्दीलियां, और माली सपोर्ट भी आपको वालदैन की तरफ से जो है माली सपोर्ट भी मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने वालिद की तरफ से थोड़ा सा गुस्से का इजहार भी आपके साथ हो सकता है, या आपको सीधे लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ तो वो आपको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चलाना चाहेंगे, जो कि अगर आप डी ट्रैक हो रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, अगर आप ट्रैक पर रहेंगे कोई इशू नहीं है। कैरियर रोज़गार के वाले से सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, अब ये हमें सीखने का मौका देगा कि हमने क्या गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की और हमें किस तरीके से अपने इन मामलों को बेहतर करना चाहिए। मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत ज़्यादा आपके रोशन है, आपके फ्यूंसी के साथ आपके तल्लुक बेहतर होंगे। एजुकेशन स्केल 12 से, बल्कि बेसिक एजुकेशन से लेके तो टिल स्केल 14 तक की एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन जो है वो आपकी बन रही है। अज़दवाजी तल्लुकात आपके ये बहुत अच्छी पोजीशन में एक टर्न जो है वो आ चुका है। मार्स अब आपके जायचे के 11वें घर में जो है वो जा चुका है। 11वें घर में इसका जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अज़दवाजी तल्लुकात आपके बेहतर होंगे, शरीके कार के साथ आपके तल्लुकात और रिलेशनशिप आपकी बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी, आप पहले से ज़्यादा जो है वो मेहनत करेंगे अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से, दोस्तों के साथ एक अच्छी और अग्रेसिव किस्म की आपकी पैचअप जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी। तो मजमू तौर पे देखूँ तो ये एक अच्छे वक्त का जो है आगाज़ आपका हुआ चाहता है। कोई शक नहीं कि वीनस जो है ये रेट्रोग्रेड है, अगर आपने वीनस की रेट्रोग्रेड को मतलब कवर कर लिया तो बड़े आसानी के साथ आप ले जाएंगे। वीनस की रेट्रोग्रेशन के हवाले से मैंने आपको सदका बताया था, 600 ग्राम चीनी या किसी भी सफ़ेद चीज़ का जो सदका है वो दे के आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ख़ास विध भी बताया था जो कि मेरी वीडियो की जो वीनस की रेट्रोग्रेशन की दोनों वीडियोस हैं उनमें मौजूद है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल इस वक्त दुआ-ए-रद्द नुसरत सियारगान मतवातर पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अपने हाथ में एक वाइट सफ़ायर पहन लें तो भी आप इस मामले को बेहतर कर सकते हैं, ब्लू टोपाज़ पहन लें तो भी बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई मैटर्स हैं जॉब के हवाले से या आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं कोई, तो फिर ओपल पहनना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है। जेमस्टोन के लिए हमारी वेबसाइट javagems.com हमेशा आपके लिए खुली होती है, आप विज़िट कर सकते हैं, आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर बैठे मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी फ्राहम करदा मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप इनकी रोशनी में अपने इस हफ्ते को बेहतर तौर पर प्लान कर सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।